हेलो, मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है नेहास किचन में। आजकल बाजार में अच्छी सब्जियां आ नहीं रही है और जो सब्जी आ रही है वो खा कर हम काफी बोर भी हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मसूर की मसाले वाली दाल बनाई जाए, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कॉमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दाल बनाने के लिए ले लें आप पहले 1.5 कप मसूर की दाल और इसे अच्छे से 2 बार पानी से धो लें। और धोने के बाद मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है और इसे हम 3 से 4 सीटी तक अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, 4 सीटी में ये दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसे आप मैशर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। दाल को तड़का लगाने के लिए लेंगे हम 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 1 बड़ा चम्मच धनिया, खड़ा धनिया। अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। तो पहले हम टमाटर को छोड़कर बाकी ये सब चीज़ों को मिक्सर में अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे और फिर बाद में हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। और ये देखिए, ये प्याज, दालचीनी, धनिया, बाकी सब का बहुत अच्छे से एक फाइन पेस्ट हो गया है। तो चलिए अब लगाते हैं हम अच्छे से तड़का। तड़के के लिए आप एक पैन ले लें, मैंने सेम कुकर यूज किया है, और उसमें आप डाल दें 4 चम्मच तेल। तेल हम इसमें पहले स्टार्टिंग में अच्छे से डालेंगे क्योंकि हमें प्याज को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। गैस को आप मीडियम फ्लेम में ही रखें। पहले इसमें आप डाल दें 2 खड़ी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और या कम भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो जब तेल गर्म हो तब आप मिर्च डाल दें इसमें, और जब मिर्च अच्छे से क्रैकल हो, जब फूटने लगे, तब आप उसमें डाल दें पिसा हुआ मसाला। यहाँ पर पहले मैं 1 चम्मच मसाला डालती हूँ ताकि जो इसमें तेल जो ऊपर की तरफ आता है, जो जिससे हमारे किचन में काफ़ी एक ग्रीस जैसा बन जाता है वॉल पे और कबर्ड्स पर। तो आप ये टिप याद रखिएगा कि कभी भी आप जब मसाला फ्राई कर रहे हैं तो आप एक उसमें तुरंत आप ढक्कन डाल दें और फिर बाद में सारा मसाला डालें, तो 80% आपके किचन में जो तेल लगता है वो यहीं पर लगना बंद हो जाएगा। तो आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा। ये देखिए, ये मसाला मैंने अच्छे से पूरा डाल लिया है। अब ये मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक ये प्याज अच्छे से ब्राउन ना हो जाए और इसमें से तेल अलग ना हो जाए। और फिर मैंने मिक्सर में भी थोड़ा मसाला बच गया था तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसमें मिला लिया है ताकि मैं मसाला पूरी तरीके से यूज कर सकूं। और फिर आप डाल दें उसमें 1 चुटकी हींग। देखिए, हींग डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी चना या दाल बनाते हों तो उसमें हींग ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लेवर तो बढ़ता है ही, साथ में वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, प्याज थोड़ा सा नीचे से जलने लग गया था। जब ऐसा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि प्याज को पकने के लिए और टाइम भी मिल जाए और वो जले भी ना। ये देखिए, जो प्याज है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब एक चिपकने लग गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सूखा नारियल। अगर आपके पास नारियल, सूखा नारियल कुछ पीसेस में है तो आप उसे मसाले के साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये बहुत ही फाइन पाउडर था कोकोनट का, नारियल का, तो मैंने इसे मसाला भूनने के बाद डाला है और सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाया है ताकि वो जले ना। और बस 1 मिनट के बाद ही आप डाल दें जो 1 टमाटर हमने लिया था, उसे भी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और आप उसे इस प्याज के साथ डाल दें। टमाटर डालने के बाद टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए आप उसमें अपना स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। पहले आप प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लें, तो अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है आप ज़्यादा डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
ये देखिए, इसमें फिर आप डाल दें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सेम, आपको तीखा पसंद ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आप पर है। और हल्दी मैंने डाला है ताकि दाल में अच्छे से इसका कलर आए। और ये देखिए, टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से पक चुके हैं और इसमें एक ये चिपकने भी लग गया है। और ये सही वक्त है कि जो आप दाल को मैश करके रखे थे वो आप इसमें मिला दें। हाँ, ये दाल इतनी गाढ़ी नहीं होती है तो इसके लिए हम ये करेंगे कि मैंने पानी गर्म किया है। दाल में कभी भी आप ठंडा पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं, नहीं तो उससे दाल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी बिगड़ जाएगा। आप तुअर की दाल या मूंग की दाल या जो भी दाल बना रहे हैं, आप उसे पतला करने के लिए हमेशा उसमें गर्म पानी का ही यूज़ करें। तो जिस बर्तन में मैंने दाल निकाल के रखा था, मैंने उसमें ही गर्म पानी डालकर अच्छे से आप इसमें मिला लें। वैसे ये दाल खाने में बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, जैसे हम दाल तड़का खाते हैं तुअर दाल का, बस वैसे ही इसका टेक्सचर रहता है। फिर मुझे पकाते वक्त लगा कि इसमें थोड़ा और पानी डालना चाहिए, तो मैंने इसमें फिर से गर्म पानी करके इसमें थोड़ा सा और मिला लिया है। देखिए, ये खाना बनाते वक्त छोटी छोटी टिप्स होती है जिसकी वजह से ही खाना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और इसे आप अच्छे से मिक्स कर कर उबाल आने तक पकने दें। और ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। फिर इसमें आप डाल दें 1/4 चम्मच गरम मसाला। मैंने घर का गरम मसाला यूज़ किया है, आप चाहे मार्केट का या जो भी आप यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। और फिर उसमें आप डाल दीजिए चॉप्ड कोरिएंडर, मतलब कि हरा धनिया। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है दाल में और ये दिखने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप ये गर्मा गर्म दाल रोटी और चावल के साथ परोसें। और आपको ये दाल कैसी लगी ये मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।